ये देखिए लोगों की भीड़, ये लोगों की भीड़ है आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे वो लोग स्टंट कर रहे हैं और यहाँ पे लोग भीड़ लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए ब्लॉग में। जी हाँ, आज है 1 जनवरी, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन सब जगह हो रहा है और इसी बीच हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी को लेके घूमने के लिए। अभी हम फिलहाल हैं बथुआ के पास, बथुआ के बहुत करीब हैं और ये रोड सीधे बथुआ ही जा रही है, बथुआ के करीब हैं और हमें जाना है थावे। थावे से होकर हम मीरगंज जाएंगे, बीच में पड़ेगा सभ्या, हम सभ्या का भी दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे क्या है ना कि सभ्या में बहुत सारे लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो हम भी सोचे कि चलो निकलते हैं, थोड़ा घुमाई फिराई भी हो जाएगा और न्यू ईयर के लिए ब्लॉग भी एक अच्छी सी बनेगी। तो बस यही कुछ बातें हैं जो आप लोग को आज दिखानी है इस वीडियो में। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे, आपको ले जाएंगे सभ्या, सभ्या का थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे और आपको लेके जाएंगे थावे। थावे में माता का दर्शन करेंगे अगर हो पाया तो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे, तो मे बी कि ना हो पाए, लेकिन हम घूमने के लिए जा रहे हैं और कैमरा लेके हैं साथ में, तो फोटोशूट भी कराएंगे रास्ते में। बस जहाँ कहीं भी अच्छा लोकेशन मिले थोड़ा फोटोशूट भी करेंगे और वो फोटो आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे फॉलो नहीं किया है तो आपको सामने दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे निकलते हैं, बहुत ही कम रास्ते के शॉट दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारे पास वो हेलमेट माउंट नहीं है जिस पे कैमरा लगाते हैं, क्या गोप्रो वगैरह वाला सेटिंग नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आपको फ़ोन से रिकॉर्डिंग दिखाएंगे और जहाँ तक हो सकेगा कैमरा की भी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं सीधे जहाँ आपको ले जाना है। सो इंडिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो न्यू ईयर पे पार्टी करते हैं, दूसरे वो जो घर पे आराम से सोते हैं, और तीसरे वो जो ना खुद पार्टी करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं, और जब पार्टी शुरू हो जाती है तो मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हैं और दूसरों की पार्टी देखते रहते हैं, पिकनिक देखते रहते हैं, कुछ इसी तरह का माहौल है। और अभी हम हैं सभ्या फील्ड में और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं कि पीछे दिख रहा है कि नहीं, रुकी मैं वो ये काम भी नहीं कर रहा तो मुझे पता नहीं कि दिख रहा है या नहीं, लेकिन पीछे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और लोग बहुत सारे लोग आए हैं पिकनिक मना रहे हैं, अपने अपनी गाड़ियां लेके आए हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने स्टंट वगैरह भी दिखा रहे हैं। उधर पीछे साइड में बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है धूप है इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है। अभी आगे चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे, लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें जाना है थावे, तो हम थावे जाएंगे। यहाँ पे थोड़े से जो भी हैं लुक्स जो वो आपको दिखाते हैं। तो अभी हम सभ्या के इस मेन जो कहते हैं यहाँ पे मेन कह लीजिए मेन जगह पे, और यहाँ पे काफ़ी लोग स्टंट वगैरह दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप भीड़ बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग खाना पीना बना रहे हैं अपना, कुछ लोग स्टंट वगैरह दिखा रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा मतलब ये देखिए, ये पता नहीं देखिए भीड़ इधर। पता नहीं क्या हो रहा है बट बहुत लोग चीयर कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि शायद कुछ होने वाला है, शायद रेस वगैरह ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब पता नहीं मुझे बट अच्छा वो स्टंट हो रहा है थोड़ा, आप लोगों को स्टंट वगैरह भी दिखाते हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग का निकलने का प्लान था बट फिर कहे कि आप लोग को ये देखिए, देखिए लोगों की भीड़, ये लोगों की भीड़ है आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे वो लोग स्टंट कर रहे हैं और यहाँ पे लोग भीड़ लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग चीयर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ खास चीज़ है बट हाँ, अगर लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये अपनी अपनी च्वाइस होती है, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा और ना ही मेरे भाई को, और वैसे हमारा ना यहाँ पे पिकनिक। और हाँ बता देता हूँ, मैंने आप लोगों को 3 टाइप के लोग बताए थे जो अपने पिकनिक का अपने अपने अंदाज में मनाते हैं, न्यू ईयर अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये चौथे वाले हैं, ये मेरे लिस्ट से बाहर हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अभी हमें चलना चाहिए और अपना जो काम है वो करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, हमने आते आते भी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। तो निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं थावे। तो अभी हम आ चुके हैं थावे में और जो है भाई साहब भीड़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। मुझे ये लाइट की बड़ी दिक्कत होती है, लाइट की वजह से चेहरा साफ नहीं आता और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो गाड़ियाँ देख रहे हैं लाइन पे लगी हुई हैं। अभी हम क्या है अपना क्रॉस करेंगे। मस्त चीज़ पता है क्या है कि जब भी भीड़ लगी होती है कहीं पर, वहाँ पर पैदल चलना बड़ा आसान होता है, और अभी हम पैदल चलेंगे अपना अंदर
और कुछ शूट करना है हमें अपने कैमरे से, तो उसे शूट करेंगे और शूट करके फटाफट से निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिलहाल अपना काम करते हैं। भीड़ देख सकते हैं आप, ये कितने ये हालत है यहाँ की। और अभी दुकानों में भीड़ देखिए आप, पहले सारे दुकान बिल्कुल भीड़ से खचमच हो चुके हैं। सच कहूँ तो अगर व्लॉगिंग का जो है हेजिटेशन जो है वो अगर दूर करना है, तो कभी आप ऐसी भीड़ वाली जगहों पर आइए और खुद को सेल्फ रिकॉर्ड करिए, आपके जो हेजिटेशन है एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और जितना सोचा था मैंने, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना पिकनिक कह लीजिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का तरीका जिसका अपना अपना अलग अलग है, सबको यहाँ पे आया हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप सामने देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है। और कोरोना की माँ की पीछे आगे का जितना भी आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ भीड़ कितनी ज़्यादा है। और ये सबका अपना अपना तरीका होता है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, हम हर तरह का न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। स्टंट्स भी देख लिए, पिकनिक भी देख ली लोगों के, लोग भगवान के आस्था से शुरू कर रहे हैं अपना ये साल, वो भी देख रहे हैं हम, और आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। अभी क्या करें हमको समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा भीड़ है कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि पहले क्या करें। यहाँ पे लोग कितने लोग आए हैं जो पूजा भी कर रहे हैं, और साथ में इस साइड में जो आते हैं मंदिर के इस साइड में आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पिकनिक मना रहे हैं और अपना वो नॉनवेज खाना बना के खा रहे हैं। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की चीज़ें बना रहे हैं, खा रहे हैं अपना, कुछ नॉनवेज बना रहे हैं, कुछ वेज बना रहे हैं। और गाड़ी भी सरक गई है, दिखा दें। सो अभी हम यहाँ पे कुछ अपनी एक कार्ड फ़ोटो ले रहे हैं, एक दो फ़ोटो ले रहे हैं, और वो फ़ोटो डालेंगे हम अपने इंस्टाग्राम पे। तो वही प्रमोशन फिर से, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है, तो साइड में आपको इंस्टाग्राम हैंडल्स दिख रहे होंगे, उस पे जाइए और हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे फॉलो करिए। अब चलते हैं, अपना काम करते हैं। हमने थोड़े थोड़े वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लिए अपने कैमरे में, और वो जो है एक स्पेशल चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, उसके बाद में उसके बारे में हम आपको बाद में रिवील करेंगे। और फिलहाल उस चीज़ को जो है हम रिकॉर्ड करके उसे घर पे ले जाएंगे और एडिट करेंगे। बट आज जो है जो कंडीशन है, मुझे लगता है कि उसके उसका जो है वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो कंडीशन है मुझे लगता है कि साथ में आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी, क्योंकि बहुत हल्ला है। और यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने आए हैं। इधर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इस ऊपर के साइड में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन हम आए हैं वो अपने काम से और अपने कैमरे के काम से कुछ आए हैं, और वो चीज़ आपको बहुत ही जल्दी रिवील हो जाएगी। आज 1 जनवरी का दिन है, तो जब वीडियो आएगी तो आप कमेंट कर देना कि किस दिन हमने ये वीडियो बनाई थी। बाकी आप समझदार हो, थावे का मंदिर है ये जो आप देख रहे हो पीछे के साइड से, और बहुत सारी मंदिर हैं यहाँ पे, लेकिन आज हम किसी मंदिर में नहीं जा रहे, क्योंकि रीज़न आपको पता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सो जो हमारा काम यहाँ पे था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैंने जैसे कि सोचा यहाँ पे थोड़े देर के लिए, तो मुझे लगा कि अब जो है वो वॉइस ओवर ही एक ऑप्शन है, और मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है कि मैं यहाँ पे दूसरी बार आके यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं जो भी रिकॉर्ड होगा रिकॉर्ड करके अगली बार जो है उसको वॉइस ओवर करके अपलोड कर दूंगा। और बाकी मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, तो वही करेंगे हम। फिलहाल जो मेरा काम था वो यहाँ पे डन हो चुका है, और हमने जो शॉर्ट्स लेने थे वो हमने ले लिए हैं। अब इसे चल के घर पे एडिट करके आपको कुछ 15-16 तारीख के पास ये वीडियो मिलेगी, तो समझ लेना आप, कुछ इंटरेस्टिंग सा आने वाला है, और कुछ एपिसोड्स करके आने वाला है बहुत सारे, तो इंटरेस्टिंग होगा।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम एक जो पार्ट था उसका मेन पार्ट जो था वो हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, इसलिए हम यहाँ पे आके उस चीज़ को शूट कर रहे थे। पीछे बाइक जो खड़ी है उसी पे बैठ के शूट कर लिया हमने। अब वो फाइनली जब एडिटिंग करने बैठेंगे तो देखेंगे कितना रिकॉर्ड हुआ, कैसा रिकॉर्ड हुआ। तो अभी थावे से निकल चुके हैं, हम थावे से काफ़ी दूर आ चुके हैं, हमको लगता है 1.5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। और यहाँ पे पीछे जो पेट्रोल टंकी आप देख रहे हैं, शायद दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, पेट्रोल टंकी पे जाएंगे, गाड़ी में तेल भराएंगे और सीधे पहुँचेंगे हम मीरगंज। मीरगंज में भी एक काम है और थोड़ा पेट पूजा करेंगे और फिर जो है जो भी काम है वो आपको बाद में पता चलेगी। 15 तारीख के बाद से लगातार कुछ आने वाला है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाते जाओ थोड़ा, क्योंकि कुछ मस्त सा आने वाला है। और गोपालगंज के जो लोग हैं उन लोगों को बताते रहिए, गोपालगंज के जो लोग हैं उन लोगों को टैग करते रहिए वीडियो में, उन लोग के पास वीडियो भेजते रहिए और उन लोगों को बोलिए कि एक्साइटेड रहें 15 तारीख से लेकर 7-20 तारीख तक। और मे भी थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर डोज आ रहा है वीडियोज़ का और वो जो है गोपालगंज के लोगों के लिए स्पेशल है। तो बिल्कुल उन लोगों को टैग करिए वीडियो में और बताइए कि कुछ स्पेशल होने वाला है शुक्ला लाइफ चैनल पे गोपालगंज के लोगों के लिए। तो अभी चलते हैं, आपसे मिलते हैं मीरगंज में। तो अभी हम मीरगंज में जो काम था हमारा हमने करा लिया है और मीरगंज में वीडियो ऑन ना करके हम ये वीडियो ऑन कर रहे हैं हथुआ में। हथुआ के गोपाल मंदिर में हम हैं और यहाँ पे भी लगभग बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लगभग क्या मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अगर आप देख सकते हैं तो देखिए पीछे बहुत सारे लोग हैं और इधर से लाइट आ रही है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा मीरगंज में काम था वो हो नहीं पाया असल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है आज और कदम रखने तक के जैसे लाले पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ है कि कदम रखना भी मुश्किल है। इसलिए हमारा जो वीडियो था, हमारा जो एक काम था मीरगंज में वो नहीं हो पाया। और अब जो है हम थोड़ा सा आए हैं गोपाल मंदिर घूमेंगे। तो अभी वीडियो ख़त्म करने वाले ही थे कि हमें हमारे बहुत पुराने दोस्त मिल गए, आर्या नाम है इनका और बहुत पहले हम लोग साथ में पढ़े हैं, इम्पेरियल में पढ़ते थे हम लोग और 10th के बाद से सब कोई अलग हो गया, हम कहीं और ये कहीं और, सब कोई बहुत अलग हो गया। अभी ये कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं और जर्नलिज्म कर रहे हैं साथ साथ। हम बता दें आपको कि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं और ये भाई भी अपने लाइफ में बिज़ी हैं कहीं कहीं, कुछ जो पढ़ाई सबको अच्छी लग रही है सब कोई कर जा रहा है और जिसको जो ज़रूरत है वो करे जा रहा है। अब आर्या जी आप बताइए हमारे वीडियोस जो वीडियो देख, अरे शुक्ला जी हाय, आप देख लीजिए हमारे प्रिय मित्र शुक्ला जी यूट्यूबर जी, बहुत काफी दिन बाद मिल रहे हैं आप, कहाँ थे इतना दिन से? हम तो यहीं पे थे, आप ही नहीं देख रहे थे। गजब हाल है भाई, अगर हम सभी फ्रेंडों को यूट्यूबरों को नया साल का मुबारक कहता हूँ और इनको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको सपोर्ट दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और जो भी हम कर रहे हैं वो देख लीजिए, फोटोज़ मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पे। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपको काम है तो आप अपना काम कर दीजिए और नई वीडियो लाना हमारा काम है तो हम ला ही रहे हैं। और 15 तारीख के बाद से लगातार वीडियोस आने वाली हैं, गोपालगंज के लोगों को यह बात बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ले, 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 ले।